अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। सो गाइस, ये ब्लॉग मेरे लिए बहुत स्पेशल है और आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होगा, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह ज़्यारत करने। सो गाइस, अभी हम लोग की ट्रेन 12 बजे की है। सो गाइस, हमारी ट्रेन रात के 12 बजे की थी और 11 बज चुके थे, तो हम लोग निकल चुके थे घर से और हम लोग के मोहल्ले वाले हम लोग को छोड़ने आए थे। सारा सामान रिक्शे पे रख चुका था क्योंकि हम लोग के घर से स्टेशन काफ़ी दूर था और हम लोग बहुत सारा सामान लेके जा रहे थे वहाँ, और स्टेशन पहुँचने में बस थोड़ी देर है। तो हम लोग स्टेशन पहुँच चुके थे और भैया ने सारा सामान उतारा। और गाइस, मैं फ़र्स्ट टाइम स्टेशन आई थी कानपुर के और फर्स्ट टाइम ट्रेन में भी बैठूँगी। स्टेशन पहुंचते ही हम तो बहुत ज़्यादा खुश थे इतनी दूर जाने के लिए, और फिर हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे थे। हम लोग को ट्रेन भी मिल चुकी थी और रात हो गई थी, इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा उलझन आ रही थी क्योंकि मुझे ट्रेन में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं फ़र्स्ट टाइम बैठी थी तब भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। गुड मॉर्निंग, हम लोग की सुबह हो चुकी है, रात भर हम लोग को नींद नहीं आई क्योंकि हम लोग पहली बार ट्रेन में बैठे थे ना। सुबह होते ही हम लोग एक स्टेशन पहुंच गए हैं। मुझे स्टेशन का नाम तो नहीं पता है पर हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो मैंने समोसे खा लिए। बहुत सारा इंतज़ार करने के बाद, और ये देखिए ये अजमेर स्टेशन है, हम लोग पहुँच चुके हैं। आपको मेरी शक्ल से लग ही रहा होगा हम लोग कितना परेशान हो गए थे। सो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ और हम लोग को अजमेर आते ही हम लोग का रूम रेडी हो चुका था, और ये रहा हम लोग का रूम जहाँ हम लोग रुके हैं। और अब हम रेडी हो चुके हैं और सब लोग भी रेडी हो चुके हैं, तो अब हम लोग जाएंगे मज़ार। वी आर गोइंग टू मज़ार, मज़ार के लिए जा रहे हैं, वो भी नंगे पैर। चलिए सबको बुला लेते हैं। अजमेर पहुंचते ही हम लोग ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह पहुंचे और भैया ने कमरा ढूंढा। कमरा काफ़ी अच्छा हम लोग को मिल चुका था जो मज़ार के बिल्कुल पास था, और हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके थे इसलिए हम लोग सब लोग दरगाह के लिए निकल चुके थे। हम लोग के रूम के बाहर बिल्कुल मार्केट लगी हुई थी जो काफ़ी अच्छी थी, जहाँ हर सामान मिल रहा था। फिर भैया ने मेरी टोपी ली और हम लोग मज़ार की तरफ निकल गए थे, और हमने भी बहुत सारे सामान लिए अपने फ्रेंड्स के लिए और अपने लिए। माशाल्लाह, यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, काफ़ी रौनक थी यहाँ पे। तो मज़ार के अंदर जाते ही बहुत ही ज़्यादा सुकून लग रहा था, और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग की बहुत अच्छे से ज़ियारत हो गई थी। उसके बाद हम लोग सब लोग बैठे। काफ़ी रौनक थी यहाँ पर और बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था यहाँ पर बैठने में हमें, और देख लीजिए कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है। साल के 12 महीना यहाँ पर ऐसे ही रहता है। Oh,
ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह का गुंबद जो पूरा सोने का बना है, ये देखिए पूरा जो ऊपर का गुंबद है वो पूरा सोने का बना है माशाल्लाह। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और रात में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और यहाँ को ज़्यादा ही सुकून मिल रहा था। और फिर उसके बाद काफ़ी रात हो चुकी थी तो हम लोग अपने रूम पे जा रहे थे। ये रही यहाँ की डेग, ये काफ़ी बड़ी थी और जिसे जो मन्नत मांगना होता है, जिसे जो डालना होता है वो इस डेग में डाल देता है। सो गाइस, मेरा व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले।